अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल और प्लांट टिश्यूज दोनों में ही पाए जाते हैं और केमिकली दे कंटेन एलिमेंट विच आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला जो है इनका वो है CH2O। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं और सैकराइड का नाम भी देते हैं। सैकराइड का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड सैक्रोन से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम इनको डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स भी कह सकते हैं, या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे कन्वर्ट हो सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो है वो है CH2O। और कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। और फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। और अगर हम इनके नाम देखें कार्बोहाइड्रेट्स के, जो जनरल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। OSE जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है शुगर को। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम फंक्शन देखें तो इसमें हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सोर्स है एनर्जी का लिविंग बीइंग्स में, और जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल में स्टोर होता है, और स्टार्च जो है प्लांट में। अगर हम देखें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स एज ए स्ट्रक्चर कंपोनेंट भी होता है, तो वो किस तरह से होगा वो हम देखेंगे डिटेल में, फर्दर आगे पढ़ेंगे कि सेल प्लांट में सेलुलोज की फॉर्म में होता है, और इंसेक्ट्स में काइटिन की फॉर्म में, और ह्यूमंस में ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की फॉर्म में। और RNA और DNA का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसकी एग्जाम्पल हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें हम इसको मेन जो तीन डिफरेंट क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, एक है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास जो है वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हैं, उसमें एल्डोज और कीटोज शुगर होती हैं। ओलिगोसेक्राइड्स को हम डाइसेक्राइड भी कह देते हैं, ट्राईसेक्राइड भी, और फर्दर मतलब जितने भी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स इसमें ऐड होते जाएंगे उस हम इनके अकॉर्डिंग नाम देते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। और फिर ये ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, माइनो शुगर और डीऑक्सी शुगर, उसमें आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की है वो है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स हम इनको क्यों कहते हैं, मोनो का मतलब होता है वन और सेक्राइड का मतलब है शुगर, मतलब इसमें एक ही शुगर होती है, इसलिए हम इनको सिंपल शुगर भी कहते हैं। और ये सोलेबल होते हैं वाटर में और टेस्ट इनका स्वीट होता है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं उनको हम सिंपल शुगर कहते हैं, और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते स्मॉलर यूनिट्स में, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक ही शुगर मौजूद होती है। अगर हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें मोनोसेक्राइड की, तो हम इसको दो तरह की क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, मतलब कितने कार्बन एटम है हमारे पास, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, या छः हैं, या एक। इसमें हमारे पास ज़्यादातर आ जाएंगे तीन कार्बन एटम अगर है हमारे पास तो उसे हम कहेंगे ट्रायोस शुगर। अगर हमारे पास पांच कार्बन एटम है तो वो होंगे पेंटोस शुगर। अगर छः कार्बन एटम है तो वो है हेक्सोस शुगर। एक तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन इस पे डिपेंड की कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अगर हमारे पास थ्री कार्बन एटम होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रायोसिस, और अगर हमारे पास फोर होंगे तो उसे हम कहेंगे टेट्रोसिस, और अगर फाइव है तो हम उसे कहेंगे पेंटोसिस, और अगर सिक्स है तो फिर हेक्सोसिस। मतलब जिसमें थ्री कार्बन है वो ट्रायोस शुगर है, जिसमें फाइव है वो पेंटोज, और जिसमें सिक्स है वो हमारे पास हेक्सोस शुगर है। ये आप देख सकते हैं इसमें थ्री कार्बन है, इसमें फाइव है, और नेक्स्ट में हमारे पास सिक्स कार्बन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो ये होगी। जो सेकंड जिस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड्स को, वो है फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या
कीटोन, तो उसकी बेस पे हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड, राइबोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमारे पास एल्डोज शुगर है, ये ऊपर जो हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज और फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप अटैच है। तो हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे मोनोसेक्राइड को जिन दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप एक है एल्डोज और एक कीटोज, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अगर अटैच है तो उसकी बेस पे मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल हैं मोनोसेक्राइड्स की। इसमें फर्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे पास इसेंशियल एनर्जी सोर्स है जितने भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए, और ग्लूकोज का जो सेकंड नेम है वो डेक्सट्रोज भी है, और इसे हम ब्लड शुगर भी कह सकते हैं। और ग्लूकोज फर्दर मिलके आगे डाइसेक्राइड्स बनाता है, और ज़्यादातर ग्लूकोज जो होता है वो ग्रेप्स में होता है, स्वीट कॉर्न्स में होता है, बेरीज में होता है। और इसके बाद है हमारे पास ग्लैक्टोज। जो ग्लैक्टोज है वो जब ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज में, जो कि एक शुगर मिल्क है, शुगर है जो मिल्क में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है, जितनी भी शुगर है उन सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, और ये मोस्टली ये फ्रुक्टोज जो है फ्रूट्स और हनी में होता है, इसलिए हम इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज जो हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो है एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की स्ट्रेट या लीनियर चेन है, और दूसरा है हमारे पास हॉवर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें हम ग्लूकोज का रिंग में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब यह रिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है? जब हमारे पास स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज होता है तो कार्बन नंबर जो 1 है, जब वो रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोपाइरेनोज में या ग्लूकोफेनोज में। अगर अगर कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ अटैच होके ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो बनेगा ग्लूकोपाइरेनोज, और अगर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मिलकर रिंग बनाएगा तो वो बनेगा ग्लूकोफेरिनोज। जो ग्लूकोपाइरेनोज है वो 6 मेंबर रिंग बनेगा, और जो हमारे पास ग्लूकोफेरिनोज है वो 5 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। जब कार्बन नंबर 1 हमारे पास कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 6 मेंबर रिंग में, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। हम अब कुछ टर्म्स देखेंगे, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक आइसोमेरिज्म, जिसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म हम कहते किसको हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और जो फिनोमेना है आइसोमर्स में वो उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। 5 टाइप्स हैं हमारे पास आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट है कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म, जिसको अब देखते हैं हम। कीटोज एल्डोज जो आइसोमेरिज्म है उसमें हमारे पास क्या होता है, कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म में अगर हम दो स्ट्रक्चर लें, ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इनका जो है केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, C6H12O6 कीटोज और फ्रुक्टोज का। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इनके स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आएगा, जो इनका फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होगा। हमारे पास ग्लूकोज में जो है वो पोजीशन कार्बन की पोजीशन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, और फ्रुक्टोज में हमारे पास कार्बन की पोजीशन नंबर 2 पे जो है वो फ्रुक्टोज अटैच है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ गया हमारे पास, इनके फंक्शनल ग्रुप में। जो इनके फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और इसमें वापस कीटो ग्रुप होगा, उनकी पोजीशन भी चेंज होगी। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटोज एल्डोज
आइसोमरिज्म। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोमर्स या आइसोमरिज्म है वो है हमारे पास डी एंड एल सीरीज आइसोमरिज्म। डी और एल सीरीज आइसोमरिज्म डिपेंड करती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन पे अराउंड ए सिमेट्रिक कार्बन। ए सिमेट्रिक कार्बन हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, इसमें हमारे पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हुए हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ए सिमेट्रिक कार्बन, जो कि होती है एडजेसेंट टू टर्मिनल कार्बन। मतलब हमारे पास जो आखिरी कार्बन होती है उसके साथ वाली जो कार्बन है उसके साथ हमारे पास ओरिएंटेशन क्या होगी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की, उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो डी सीरीज से बिलोंग करता है या एल सीरीज से। उसकी अगर हम एग्जांपल लें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन क्या होगी। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास कार्बन एटम की राइट साइड पे होगा तो हम इसे कहेंगे ये डी सीरीज से बिलोंग करता है, और अगर हमारे पास ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये एल सीरीज से बिलोंग करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म है जिसमें जो ए सिमेट्रिक कार्बन एटम है वो एग्जिबिट करती है किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को। इसमें हमारे पास ए सिमेट्रिक कार्बन, ये कार्बन नंबर 5 है जिसपे फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच हुए हुए हैं, उसे हम कहते हैं कि ए सिमेट्रिक कार्बन। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस की उस कैपेसिटी को कहते हैं जिसमें वो रोटेट कर जाए किसी भी डायरेक्शन में। मतलब वो राइट साइड पे अगर रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं डेक्सो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। अगर एक बीम जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू पास की जाए शुगर में से और या किसी और सोल्यूशन में से, तो अगर वो राइट साइड पर रोटेट कर जाए तो उसे हम कहेंगे डेक्सटो रोटेटरी, और अगर वो लेफ्ट साइड पर रोटेट करे तो उसे हम कहेंगे लीवर रोटेटरी। राइट रोटेशन वाले हम कंपाउंड्स को कहेंगे डी ग्लूकोज या डी फ्रुक्टोज, और लेफ्ट रोटेशन वाले कंपाउंड्स को हम कहेंगे लीवर रोटेटरी या एल ग्लूकोज या एल फ्रुक्टोज। नेक्स्ट हमारे पास एपिमेरिज्म। एपिमेरिज्म हम किसे कहते हैं जब हमारे पास दो मोनोसैकेराइड जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे डिफरेंट होगी, किसी एक सेम ए सिमेट्रिक कार्बन एटम पे अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है तो वो एक दूसरे के एपिमर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज का जो एपिमर वो गलेक्टोज भी है और मैनोज भी है, लेकिन मैनोज और गलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर नहीं। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम देखें ग्लूकोज का एपिमर गलेक्टोज है तो वो कैसे है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास हाइड्रोजन राइट लेफ्ट साइड पे और हाइड्रोक्सल राइट साइड पे। अब गलेक्टोज पे ये कॉन्फ़िगरेशन उसके रिवर्स है, मतलब हमारे पास एक सेम कार्बन एटम पे अगर फंक्शनल ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के एपिमर्स हैं। अब हम अगर ग्लूकोज देखें कि वो मैनोज, उसका एपिमर किस तरह से है, तो ग्लूकोज के जो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन है और मैनोज के कार्बन नंबर 2 पे, वो एक दूसरे के रिवर्स है, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस तरह ये भी एक दूसरे के एपिमर्स हैं, लेकिन मैनोज और गलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर्स नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास गलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे जो है कॉन्फ़िगरेशन वो डिफरेंट है और मैनोज पे कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए ये एक दूसरे के एपिमर्स नहीं हो सकते। एपिमर्स वो होंगे जिसमें हमारे पास सेम एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। एनोमेरिज्म हम किसे कहते हैं, एनोमेरिज्म वो प्रोसेस है जब कोई एनोमेरिक कार्बन हमारे पास बनती है किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा था और एक हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। लीनियर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें कि ग्लूकोज जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या चेंजिंग आती है, उसमें एनोमेरिक या एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर जो है वो कैसे बनता है। एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन आपको पहले भी पता है, मैंने बताया भी है कि वो कार्बन होती है जिसपे फोर डिफरेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए होते हैं,
और एनोमेरिक कार्बन वो होगी जिसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हुआ होगा जिसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास अगर ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 5 के साथ आके अटैच होगा और रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अगर इसमें हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्लेन से बिलो होगा तो हम इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 जो है वो हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर भी है क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं। और जो कार्बन नंबर 1 है वो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होती है जिसके साथ कोई कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव द प्लेन अटैच हुआ हुआ है इसलिए हम इसे कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ग्लूकोज फर्दर आगे कन्वर्ट होती है 2 डिफरेंट रिंग स्ट्रक्चर में जिसे हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। इसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ जब आके अटैच होगी तो अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन होगा तो इसे हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्लेन से अबव होगा तो उसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 जो है वो हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अल्फा और बीटा एनोमर्स हैं। जो ग्लूकोज की फॉर्म है ये अल्फा और बीटा, इनको हम एनोमर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होती है? ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस चेंज होता है अल्फा टू बीटा, आप कह लें कोई भी उसमें आप कंपाउंड ले सकते हैं, ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है, उसकी अल्फा या बीटा जो फॉर्म है या उसके वाइस वर्सा कोई और चेंजेस होती हैं। स्ट्रेट चेन से जब अल्फा और बीटा की तरफ जो चेंजिंग होंगी उसे हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन। अब इसमें रोटेशन किस एंगल पे होती है? जब हमारे पास इक्वल मिक्सचर होता है अल्फा और बीटा ग्लूकोज सब्सटेंस का या एक कंपाउंड का, तो हमारे पास जो एंगल है वो है 52.7 डिग्री। जब हमारे पास रोटेशन होगी, ज़्यादा रोटेट करेगा हमारे पास जो ग्लूकोज है वो, अगर 112 एंगल पे रोटेट कर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज में। और अगर हम इसको वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हमें एंगल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करना पड़ेगा और उसे कांस्टेंट करना पड़ेगा 52.7 पे। और अगर हमारे पास जो एंगल है वो 52.7 से कम होके 18.7 पे आता है तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। और अगर हमने इसको वापस अपनी असली हालत में लाना है या ओरिजिनल कंडीशन में तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? जो एंगल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, 18 से 52 पे लाना पड़ेगा, और 52 पे लाकर जब हम इसे कांस्टेंट कर देंगे तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन रोटेशन इसमें हम बता रहे हैं कि अगर रोटेशन ज़्यादा होगी तो वो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में, और अगर रोटेशन कम होगी तो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी इसकी साइक्लिक फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स के कुछ डेरिवेटिव्स। उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में हमारे पास जो मेन मोनोसेक्राइड है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है जो एक सिंपल शुगर है, जब उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है वो कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच होती है तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और अगर वो कार्बन नंबर 5 पे आके अटैच होती है तो हम उसे कहते हैं 6 पे आके अटैच होती है तो हम उसे कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ये अटैच होगी किसी भी मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आके अटैच होगी तो इसे हम कहेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड ईस्टर है मोनोसेक्राइड के। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। नेक्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर्स के पास अमाइनो शुगर हमारे पास कैसे बनते हैं? जब किसी भी मोनोसेक्राइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके अमाइनो ग्रुप या एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो वो हमारे पास आ जाती है अमाइनो शुगर। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को
को रिमूव करके जब अमाइनो ग्रुप अटैच किया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोसामाइन। इसके स्ट्रक्चर से भी पता चल सकता है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसको रिमूव करके NH2 जब अटैच कर दिया तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोसामाइन में। और सेकेंड है हमारे पास एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसमें हम कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव करके एनएसिटाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं जब, तो उसे हम कहते हैं एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेटिव वो है डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर्स वो होती हैं जब किसी भी शुगर में से हम हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिमूव करके वहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है डीऑक्सी शुगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल के बजाय अगर हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो इसे हम कहेंगे डीऑक्सी शुगर। नेक्स्ट है हमारे पास शुगर एसिड। शुगर एसिड हमारे पास कैसे बनते हैं? शुगर एसिड हमारे पास किसी भी मोनोसैकेराइड की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके अटैच होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड में। मतलब हमारे पास जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन ऐड हुई और ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोनिक एसिड में। अगर हम इसी ग्लूकोज को जब कन्वर्ट करते हैं यूरोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड में तो तब हम एल्डिहाइड ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में विदाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज ग्लूकोक्रोनिक एसिड या यूरोनिक एसिड में। तो इन्हें हम कहते हैं शुगर एसिड जब हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारे पास किस एल्डिहाइड ग्रुप में नहीं हुई, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुई है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है, हमारे पास जो अल्कोहल थी टर्मिनल कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहल थी वो रिमूव होगी और उसकी जगह हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो गया। शुगर अल्कोहल हमारे पास तब बनती है जब हमारे पास एल्डोज और जो किटोजिस होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं इंजाइम के ज़रिए या नॉन इंजाइमेटिकली, तो वो कन्वर्ट होती हैं अल्कोहल में। यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोज जो कि एक एल्डिहाइड शुगर है, जब इसमें रिडक्शन होती है या जब इसमें हाइड्रोजन आप कह लें ऐड होगी तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी सॉर्बिटॉल में जो कि हमारे पास एक अल्कोहल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप था CHO, जब हम ये सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई वो CH2OH में कन्वर्ट हो गया और इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सॉर्बिटॉल में। नेक्स्ट है हमारे पास मैनोज शुगर। मैनोज शुगर में भी जब रिडक्शन होती है तो वो मैनिटोल में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में जब रिडक्शन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटोल और मैनिटोल दोनों में जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स आप देख सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पे वापस कार्बन नंबर 2 पे आके कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इनके स्ट्रक्चर में माइनर सा डिफरेंस है लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे हमारे पास कीटोन शुगर में रिडक्शन हुई है, कन्वर्ट होगी सॉर्बिटोल और मैनिटोल में। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में जो सेकेंड टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स, वो शॉर्ट चेन होती है मोनोसैकेराइड की जिसमें 2 to 10 यूनिट्स होते हैं जो मिल के फर्दर आगे डाइसैकेराइड ट्राई टेट्रा पेंटा सैकेराइड्स बना देते हैं एंड सो ऑन। मतलब जितने भी आप उसमें मोनोसैकेराइड्स ऐड किए जाएं उस तरह से वो आगे फर्दर बनाते जाएंगे अपने डाई ट्राई और टेट्रा सैकेराइड्स। इनके दरमियान हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अगर हम इसकी देखें जो ग्रुप्स हैं ओलिगोसैकेराइड्स के, उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास डाइसैकेराइड, उसमें 2 मोनोसैकेराइड्स के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो मिलके बनाते हैं डाइसैकेराइड। जैसे आप सुक्रोज की अगर एग्जांपल हम लें तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल मिलके सुक्रोज बनाएगा, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल मिलके लैक्टोज बनाएगा और 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके वहाँ पास माल्टोज बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राईसैकेराइड्स। ट्राईसैकेराइड्स में वहाँ पास
तीन मोनोसेक्राइड मिलके ट्राईसेक्राइड बनाएंगे। जैसे हमारे पास रेफिनोज की एग्जांपल, उसमें एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक लैक्टोज जो मॉलिक्यूल हैं, ये तीनों मिलके रेफिनोज बनाते हैं। टेट्रासेक्राइड में हमारे पास फोर मोनोसेक्राइड होंगे, दो ग्लैक्टोज, वन ग्लूकोज एंड वन फ्रुक्टोज मिलके स्टेकोज बनाएंगे। पेंटासेक्राइड्स में हमारे पास फाइव मोनोसेक्राइड मिलके वर्बस्कोज बनाएंगे, उसमें थ्री ग्लैक्टोज, वन ग्लूकोज एंड वन फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलके कन्वर्ट होंगे वर्बस्कोज में। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लैक्टोज, दो ग्लैक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का। इसमें एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज मिलके हमारे पास बना रहे हैं सुक्रोज, एक फ्रुक्टोज, एक ग्लूकोज, फिर एक ग्लैक्टोज मिलके हमारे पास बना रहे हैं रेफिनोज, देन फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड टू ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास बना रहे हैं स्टेकोज। हमारे पास जो सबसे पहली एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड में वो है माल्टोज की। माल्टोज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसी भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज में। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनता है। फर्स्ट जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका कार्बन नंबर 1 जो कि एक एनोमेरिक कार्बन है, और जो सेकेंड ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बिलो द प्लेन है इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1-4 इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। और हमारे पास इस ग्लूकोज में जो ये वाली कार्बन है वो भी हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है, लेकिन ये एंड हमारे पास फ्री है। और जो हमारे पास एंड फ्री होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड भी कह सकते हैं, कि हम इस कार्बन को कह सकते हैं कि ये एनोमेरिक कार्बन जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगी, इसलिए हम माल्टोज को कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये मिल्क में प्रेजेंट होती है, और इसमें ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके फर्दर आगे लैक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लैक्टोज के कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान अबव द प्लेन जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसे हम कहते हैं बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ हमने पढ़ा था अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ हमने पढ़ा बीटा। अल्फा हम तब कहते हैं कि अगर हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो बिलो द प्लेन बने तो उसे हम कहते हैं अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और अगर हमारे पास अबव द प्लेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने तो उसे हम कहते हैं बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी हमारे पास जो ये एनोमेरिक कार्बन है कार्बन नंबर 1 वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाती है, तो जो ग्लूकोज की एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री होगी फॉर ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसलिए हम लैक्टोज को भी कह सकते हैं कि वो एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। नेक्स्ट है हमारे पास सुक्रोज, ये भी डाइसेक्राइड है लेकिन ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से डिफरेंट है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एनोमेरिक कार्बन का एंड फ्री नहीं होगा। और जो सुक्रोज है वो ह्यूमन में नहीं होती है, वो मोस्टली प्लांट्स में होती है, और ये एक फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी है, और इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। अच्छा, अब आप देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलके बॉन्ड बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है उसमें और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान हमारे पास बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बना है, और ये बिलो द प्लेन बनता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान बनता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एनोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री नहीं होती है, जैसे हमारे पास पहले लैक्टोज और हमने माल्टोज में पढ़ा, इसलिए हम सुक्रोज को हम रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड भी नहीं बोल सकते हैं।